हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन, जो कि वैसे तो हम बाहर ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अभी के समय में बाहर का खाना सेफ नहीं है, इसलिए इसे हम घर पे ही बनाना सीखेंगे चिकन मंचूरियन। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिए हैं, जो कि इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बोनलेस चिकन को काट चुके हैं। अब इसमें हम सोया सॉस दो बड़े चम्मच डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे। आधा चम्मच लाल चिली पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, दो बड़े चम्मच मैदा, तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, और एक अंडा। उसके बाद हम इसको हाथ के सहारे इसको धीरे धीरे इसको पूरी तरह से इसको मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम मिला करके इस तरह से इसको हम बॉल को अलग रखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बॉल लेंगे जिसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे। और इसमें दो चम्मच सोया सॉस डालेंगे। दो चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। दो बड़े चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि सॉस में नमक है, इसलिए इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। इस तरह इसको मिला करके अब हम इसे यहां रख देते हैं। और उसके बाद हम
चिकन को फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा ही करके फ्राई करेंगे, एक बार में भरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, इसको हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब पूरी तरह से ये पक चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम फिर से इसको इसी तरह से बाकी का भी फ्राई कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 चम्मच तेल डालेंगे। और लहसुन और ये थोड़े से कटे हुए लहसुन, थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च, और इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े से प्याज, कटे हुए प्याज को डालेंगे। थोड़े से हरे प्याज के पत्ते कटे हुए डालेंगे, हरे प्याज का पत्ता कटा हुआ थोड़ा सा इसमें डालेंगे।
उसके बाद शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च है, फिर हम डाल के इसे भी फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें गोलकी पाउडर एक छोटे चम्मच डालेंगे। इसमें एक चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे। और इसी तरह से इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है। ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो ये घोल बना के रखे थे इसे अच्छी तरह से मिला करके इसमें हम इस तरह से इसको डाल देंगे। एक चम्मच सोया सॉस भी इसमें हम और डालेंगे। और इसे धीरे धीरे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। तब तक चलाएंगे तब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ चिकन जो है इसमें हम डालेंगे। इस तरह से डालेंगे और हम थोड़ी देर इसे इसी तरह से मिलाते रहेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी, कितना बढ़िया कलर आया है।